नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बेहद खास है और यह वीडियो मैं अपने छोटे भाई को डेडिकेट कर रही हूँ। मैं उत्तर प्रदेश को बिलोंग करती हूँ, पर अभी मैं राजस्थान में हूँ। किन्हीं कारणों से इस बार रक्षाबंधन के अवसर पर मैं घर नहीं जा पाऊंगी, तो सोचा कैसे इस दिन को बेहद खास बनाऊं। तभी मन की खिड़की से आवाज आई और सोचा एक वीडियो बनाऊं। दोस्तों, इस रक्षाबंधन के खास मौके को और खास बनाने के लिए मैंने अपने भाई के लिए एक संदेश भी लिखा है, और इस संदेश की खास बात यह है कि इसको मैंने संस्कृत भाषा में लिखा है, जो कि हमारे देश की संस्कृति को दर्शाता है। इस संदेश के द्वारा मैंने अपने भाई की मंगल कामना और लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। दोस्तों, अब मिस्टर त्यागी आपको ये संदेश पढ़कर सुनाएंगे, क्योंकि उनको संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान है। प्रिय भ्राता, पश्येम शरदः शतम्, जीवेम शरदः शतम्, शृणुयाम शरदः शतम्, प्रब्रवाम शरदः शतम् दीनः, श्याम शरदः शतम्, भूयश्च शरदः शतात्, रक्षाबंधनस्य हार्दिक्यः शुभकामनाः। तव भगिनी अंजलि। तो इसका अर्थ है कि हे मेरे प्रिय भाई, आप 100 सालों तक देखें, 100 सालों तक जिएं, 100 सालों तक अपने कानों से सुनते रहें, और आप 100 सालों तक इसी तरह तरक्की करते रहें, और जो भी आप अपने जीवन में कुछ इच्छा रखते हैं वह पूरी हो। रक्षाबंधन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तब भगिनी तुम्हारी बहन अंजलि। अब इधर करो दीवा, मैं बोलूंगी दीवा ने भी कुछ बनाया। दोस्तों, ये मैसेज दीवा ने लिखा है अपने मामा के लिए। दीवा, पढ़ के बताइए क्या लिखा है आपने। राम दीवा मोंटू मामा, हैप्पी रक्षाबंधन। तो दोस्तों, अब हम मार्केट जाएंगे, वहीं से हम राखी खरीदेंगे और फिर आगे चलकर हम इसको कुरियर करेंगे। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम मार्केट में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे एक बहुत फेमस शॉप है, प्रीति जनरल स्टोर, और वहाँ से अब हम राखी खरीदेंगे। तो चलिए चलते हैं शॉप के अंदर। प्रीति जनरल स्टोर के यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर राखियाँ हैं, तो मैं तो देख के अभी कंफ्यूज हो रही हूँ कौन सी राखी मैं लूँ। तो चलिए आपको भी दिखा देती हूँ। ये वाली दो है ना।
खूबसूरत खूबसूरत राखी है, आप देख सकते हैं। काफी अच्छे ओके। दीवा आपको कौन सी अच्छी लग रही है? ये पसंद आ रही है। ओके दीवा को अच्छा, ये वाली पसंद है, वेरी गुड। हिंदी सबसे नीचे है ऊपर चढ़े ठीक है। तो ये आप यहाँ से काफी एक लंबा कलेक्शन इनके पास में है। और अब इधर आप देखेंगे ये एक प्रीमियम कलेक्शन इनके पास में रखा हुआ है जो कि काफी अच्छा है। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर और यूनिक यूनिक राखी यहाँ पे है। अच्छा ये हैंडमेड अभी है तो ये कहाँ से लाते हैं आप? तो ये हैंडमेड राखियां हैं जो कि अभी ओके ये भैया भाभी सेट हैं और ये कलकत्ता से ये लेके आते हैं तो काफी सुंदर है ये कलेक्शन। ये देखिए सब हैंडमेड है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल राखी है यहाँ पे। ऐसा भी कुछ है कि जैसे तिलक वाली में जैसे एक सिंगल भाई के लिए और तिलक वाला ये सिंगल भाई का भी? हाँ क्योंकि भाभी का भी है नहीं, छोटा भाई है। ये भैया क्या है ओनली ये थ्रेड दिया हुआ है एक्स्ट्रा। अच्छा अच्छा सो ब्यूटीफुल, इसमें तिलक भी है और ये गणपति जी भी है और साथ में ये जोड़ा है राखी का क्योंकि दो ही राखी बेचते हैं, शुभ मानी जाती है ये। ब्यूटीफुल, ये कितने का भैया इसका भी है? 20% तो इसका लिखा नहीं है। तो मैंने ये राखी फाइनल कर दी है क्योंकि इसमें राखी का जोड़ा है, साथ में तिलक है और गणपति जी भी है। इनके प्राइस भी रीजनेबल है, बहुत ही अच्छे प्राइस में, बहुत ज्यादा वैरायटीज यहाँ पे हैं। मुझे लगता है कि गंगानगर सिटी में सबसे ज्यादा वैरायटी यहीं पे है। ओके तो लग रहा है दियो भी बहती गंगा में हाथ धोना चाहती है तो इसने भी अपनी कुछ फरमाइशें जाहिर की हैं। ओके अच्छा दीवा की तरफ से क्या है भैया दिखाना थोड़ा। और यहाँ पे बच्चों के हिसाब से भी बहुत प्यारी प्यारी राखी है, ये है मिनियंस की है यहाँ पे और ये क्यूट सा है एक टेडी और टेडी वाली ये सारी राखी है। हाँ अभी रुको दीवा इसमें बताओ राखी में मिनियंस लेना है या ये लेना है? ये लेना है। चलो चलो इसको कुछ दिलवा दो। मेरे को गिफ्ट भी भेजना है तो उसके लिए मैंने सोचा मैं जियो ले लेती हूँ।
मुझे इन दोनों में से तो अभी डीओ भी फाइनल हो चुका है, चलते हैं क्लियर कर ले। तो अभी हम डीकेटीसी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी क्लियर करने वाले हैं, तो चलिए पहले ये सामान इसमें रख देते हैं। तो भैया अभी इसमें थर्माकोल लगा रहे हैं ताकि सेफली ये हमारा जो पार्सल है वो पहुंच जाए, और काफ़ी अच्छी पैकिंग ये कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है सेफली हमारा पार्सल पहुंच जाएगा। तो भैया कह रहे हैं मंगलवार तक ये पहुंच जाएगा। अब ये पार्सल रेडी हो चुका है, काफी अच्छे से पैक किया है, मैंने सारे सामान इसके अंदर रख दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि मंगलवार तक ये मेरे भाई के पास पहुंच जाएगा।